सरकारी जमीन पर बनाए रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। शासन प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है। इस प्रकार की स्थिति आए दिन निर्मित हो रही है। सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मंझगवा के उत्तर टोला में आदिवासी बस्ती से साहू बस्ती तक जाने के लिए सन 2002 में भूतपूर्व सरपंच राम गोपाल साहू के द्वारा पंचायत मद से लगभग 2 किलोमीटर रोड का मिट्टीकरण कराया गया था, जिस रास्ते के माध्यम से कई परिवारों के लोग आवाजाही करते हैं। और सन 2002 में रोड का निर्माण करवाया गया था। बीती रात को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रास्ते की खुदाई की गई। शासन प्रशासन को सूचना देने के बाद भी अब तक मौन पड़ा है। कलेक्टर सीधी को सूचना देने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आइए जानते हैं ग्रामीणों से क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा राम गोपाल साहू। क्या समस्या जा रही है आपको? समस्या ये जा रही है कि ये रोड हम 2004 में बनवाए हैं, 3-4 में, तो इस रोड को आज ये संजय सिंह द्वारा खनवाया जा रहा है और कोलन का उतवाए हैं कि तुम्हारे में पट्टा है और पट्टा नहीं आए उनखर तेजन ही रोड तेजन ही तो एम आए हैं षडयंत्र रच के और ये रोड को खनाया जा रहा है। किसके द्वारा? संजय सिंह द्वारा। क्यों खुदवाया जा रहा है संजय सिंह के द्वारा? संजय सिंह के द्वारा ये खुदवाया जाता है, उनकी निजी रंजिश है, हमारी पिछला कोई राजनीतिक रंजिश थी, इसलिए ये रोड नहीं जाएगी। अच्छा। एमा ग्राम पंचायत के मट्टीकरण भरा पुल बनी लागी और ये माँ हमार पूरा आबादी जुड़ी है, 50 परिवार जुड़े हैं, सब साधन वाहन हमारे लगे है, निकले में बड़ी परेशानी है। ये माँ सरपंच के साजिश के द्वारा। कौन है सरपंच? सरपंच संजय सिंह के पत्नी हैं सुमन सिंह। हाँ। ओखर कारभार संजय सिंह पूरा संभारा था, नहीं आती आई। ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? ग्राम पंचायत मझगवा आए। तो क्या क्या परेशानी जा रही है आपको? परेशानी यह है कि सरपंच आज 4 साल से लगातार हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे पूरा परिवार के पीछे पड़े हैं। और जो रास्ता पुरान रही है तो ओखा बंद कराए के वो पटांग रास्ता निकाल रहे हैं। प्रस्ताव में हम पंचे कई एक बैर रखें कि एक रास्ता बनाई जाए और एक रास्ता से पूरे घर जोड़े जाएँ, तब वह प्रस्ताव को न कही के व्यक्तिगत हमारी स्पर्धी कह रहे हैं। एक एक घर जब उनखर माने चमचा हैं तो वो चमचन के खातिन अलग अलग रास्ता चारों दिशा से निकाल रहे हैं और यह सरकारी राज के दुरुपयोग कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है और कलेक्टर महोदय के लगे तक हम ये शिकायत का पहुँचाएँ। तो कुछ शिकायत सुनवाई हुई? लेकिन आज तक अब कलेक्टर और साहब के नींद नहीं जगी, रोड खंद ही ना आ जाए के भिनसारिन 3 ठिकोलन का भेजे रहे हैं, भैया लाल कौल और ओही के लड़का लालू।